हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे मंडे के लिए स्टॉक्स कि मंडे के लिए कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें हम इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड ले पाएँ। तो चलिए हम स्टॉक्स को देखते हैं। दोस्तों सबसे पहला स्टॉक्स है इंटर ग्लोबल एविएशन। दोस्तों अगर आप इस स्टॉक्स को देखोगे तो ये 44 फॉलोइंग मूविंग एवरेज पर रेड कैंडल के साथ ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक्स में हम मार्केट ओपन होने के बाद शॉर्ट सेलिंग के लिए ट्रेड ले सकते हैं। आप यहाँ पर देखोगे इसने 44 मूविंग एवरेज पर ही रेड कैंडल बनाई है। मंडे के दिन मार्केट ओपन होने के बाद अगर ये स्टॉक्स अपनी रेड कैंडल के लो को ब्रेक डाउन देता है तो इसमें हम शॉर्ट सेलिंग के लिए ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस हम इस कैंडल के हाई पर रखेंगे। अगला स्टॉक्स है HDFC बैंक। दोस्तों आप इस स्टॉक्स को भी देखोगे ये भी 44 फॉलोइंग मूविंग एवरेज पर ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो पिछली बार से यहाँ पर रेड कैंडल बनाई, उसके बाद यहाँ पर अच्छी गिरावट देखी गई इसमें। इस फिर से इसने यहाँ पर रेड कैंडल बनाई तो आप देखोगे यहाँ पर इसके लोगों ब्रेक किया और यहाँ पर भी हमारा थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद दो तीन दिन ऐसे पॉज कर रहा है। अगर मंडे के दिन मार्केट ओपन होने के बाद ये स्टॉक्स इस रेड कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो आप यहाँ पर देखोगे स्टॉक्स 3-4 दिन यहीं पर पहुंच कर चुका है। यहाँ पर अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर इसमें हमारी एक शार्प फॉल दिखाई दे सकता है। तो इस स्टॉक्स को आप अपनी बचलिस्ट में ऐड कर सकते हो। मार्केट ओपन होने के बाद ये स्टॉक्स अगर यहाँ से नीचे निकलता है तो हम इसमें शॉर्ट सेलिंग के लिए ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर होगा। तो आप इस स्टॉक्स को भी अपनी बचलिस्ट में ऐड कर सकते हो। अगला स्टॉक्स है कोफ्रेज लिमिटेड। दोस्तों आप इस स्टॉक्स को भी देखोगे तो ए वी 44 फॉलोइंग मूविंग एवरेज पर रेड कैंडल के साथ ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पर देखोगे एक यहाँ पर उसने बनाई, उसके बाद उसमें गिरावट आई, उसने यहाँ पर मान लीजिए ट्रेड नहीं मिला क्योंकि मार्केट बहुत यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ। तो यहाँ पर मान लीजिए ट्रेड नहीं मिला, यहाँ पर मान लीजिए ट्रेड मिला और आप देखोगे यहाँ पर हमारा अच्छा प्रॉफिट हुआ। अब फिर से इसने 44 मूविंग एवरेज पर ही रेड कैंडल बनाई है तो कल और आप देखोगे 3 दिन यहीं पर ही ट्रेड कर चुका है, 3 कैंडल यहीं पर बन चुकी है। अगर इससे नीचे निकलेगा तो मान लीजिए स्टार फॉल दिखा जाएगा, यहाँ तक तो स्टॉक्स आ ही सकता है। तो हम इस स्टॉक्स में भी शॉर्ट सेलिंग के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो आप इसको भी अपनी बचलिस्ट में ऐड करके रखिएगा। अगला स्टॉक्स है सिप्ला। अगर आप इसको देखोगे जब तक ये 44 राइजिंग पर था, राइजिंग में हम बाइंग के लिए स्टॉक्स लेते हैं। आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर हमारी ट्रेड मिला था और यहाँ पर हमारा टारगेट हुआ, उसके बाद यहाँ पर ट्रेड मिला, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हुआ। अब यहाँ पर ये राइजिंग ना होती है, 44 मूविंग एवरेज फॉलोइंग हो चुका है तो अब हम इसमें शॉर्ट सेलिंग के लिए ट्रेड लेंगे। अब आप यहाँ पर देखो जो कैंडल है वो 2.5% की रेड कैंडल है तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस तो इसका नहीं रख सकते। अगर इसके नीचे निकलेगा तो हम इसको 15 मिनट में जाके देखेंगे हम स्टॉप लॉस के कहाँ पर रखेंगे। तो आप इस ग्रीन कैंडल के हाई पर या इस स्विंग पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर इसके नीचे निकलता है तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हो और इसमें शॉर्ट सेलिंग के लिए ट्रेड ले सकते हो। तो आप इस स्टॉक्स को भी अपनी बचत में ऐड करके रखिएगा। अगला स्टॉक्स है चोलामंडलम। दोस्तों आप इस स्टॉक्स को भी देखोगे इसमें हमारे लिए बाइंग के लिए कई ट्रेड मिले। आप यहाँ पर देखोगे 1, 2, 3 ट्रेड हमारे लिए बाइंग के लिए जब तक 44 मूविंग एवरेज राइजिंग था। तीनों पर मैंने जब जब इस पर 44 मूविंग एवरेज पर ग्रीन कैंडल बनाई है तीनों टाइम मैंने आपके लिए वीडियो में बताया था। अब यहाँ पर 44 मूविंग एवरेज फॉलोइंग हो चुका है और फॉलोइंग पर इसने रेड कैंडल बनाई है तो अभी हम बाइंग के लिए ट्रेड ले रहे थे, अब हम यहाँ पर शॉर्ट के लिए ट्रेड लेंगे। तो इस स्टॉक्स को भी आप अपनी पोजीशन में ऐड करके रखिएगा। मार्केट ओपन होने के बाद अगर इनके नीचे निकलता है तो आप इन सब स्टॉक्स में शॉर्ट सेलिंग के लिए ट्रेड ले सकते हो। क्योंकि अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया है। आप यहाँ पर देखो बार बार ये सपोर्ट जरा कार्य कर चुका था, यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस जरा कार्य करेगा क्योंकि नीचे से निफ्टी का चार्ट आया है। तो यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया है तो 2 या 3 दिन यहाँ पर पॉज ले सकता है या यहाँ से ये नीचे आ सकता है। अगर यहाँ से नीचे आएगा तो सारे स्टॉक्स में हमारे लिए अच्छी गिरावट देखी जा सकती है और अगर निफ्टी यहाँ पर पॉज भी लेगी तब भी हमारे लिए उन स्टॉक्स में गिरावट देखी जा सकती है। इसलिए हम शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड लेंगे और अगर निफ्टी इस अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर दिए तो फिर हम बाइंग की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। फिर बाइंग के लिए जिस भी स्टॉक्स में ट्रेड मिलेगा हम उन्हें बाइंग के लिए ट्रेड देंगे। तो दोस्तों एक कुछ स्टॉक्स थे जिनमें कल मार्केट ओपन होने के बाद आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड ले सकते हो। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।